बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेशावर। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम आया उर्दू आईडी कार्ड को एडसेंस से कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखा है इस पर ज़रूर क्लिक करें, और साथ घंटी भी, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको ज़रूर आ जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक्स। मैंने वेरीफाई कर, हाँ बिल्कुल मैंने वेरीफाई कर लिया, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो मैंने क्या किया, जिस टाइम मैं वेरीफाई कर रहा था, पिक अपलोड कर रहा था, वो वीडियो तो मैंने बनाई, ठीक है, उस दिन। फिर दो दिन एक और वीडियो बनाई, जब अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद अब मैंने दोनों साथ में लाया है, जो कि आप आखिर में आपको देख सकेंगे, ठीक है, जो कि मैंने फुल तरीके से आपको बताया है। लेकिन इससे पहले मेरे फेस के सामने आने का मतलब आपको कुछ समझाऊँ कि इनके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। देखो शॉर्ट के लिए समझाता हूँ। सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ आप किसने खाती कार्ड में जाए जी मेल में, और वहाँ डेट ऑफ बर्थ यही लिखे जो आईडी कार्ड में है, और एडसेंस में वही नाम लिखे जो आईडी कार्ड में है। कोशिश करें, मेरे तो ये राय है कि एड्रेस वो लिखे जो जो आप किसने खाती कार्ड पे है, एड्रेस भी हो गया। अब दूसरी बात कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ब्लूर या मतलब जो साफ नज़र ना आता हो वो पिक अपलोड करेंगे तो वो तो अपलोड नहीं होगी। देखो आप सबसे मेरी तो माने का, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, साफ पिक ले सकते हो, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं गया नेट कैफे पर, वहाँ पे मैंने अपनी आईडी कार्ड को स्कैन किया, उन्होंने मुझे ऐसे दिया, साफ नज़र आ रहा है ना। अगर आप ऐसा कर सकते तो ठीक है, तो आपको कोशिश करनी कि इस तरह से साफ नज़र आए, ठीक है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। और आप इसे एडिट करके पिक्सल ले में भी आप एडिट कर सकते हैं, पहले फ्रंट को ले और फिर बैक साइड में नीचे, जिस तरह आपको देख सकते हैं कि मैंने कैसा दिया है। अब मैंने कैसे वेरीफाई किया, मैं जाता हूँ क्रोम पे और आपको स्क्रीन की सब बताता हूँ। और चलिए फिर अब यहाँ पे देखो, मैं एडसेंस में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज़ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लिखा होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं एक्शन पे क्लिक करूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या आएगा, वैसे अब देखना यही मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी थोड़ा आ गया है। अब क्या करना है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स, ठीक है, जो रेड कलर का है। यहाँ वेरीफाई नो पे क्लिक करना है, ये मेरे ब्लॉगर के साथ अटैच है, क्योंकि ये ब्लॉगर की अर्निंग है, ठीक है। मैं ये अच्छा, यहाँ पे क्या आया है कि यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ, अगर आपके पास नाखाती कार्ड ना हो, पासपोर्ट की पिक्चर भी लगा सकते हो, और साथ ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हो, इन दोनों की जगह। और नीचे कह रहा है कि आप कोशिश करें कि नाम वही डालो जो आपके शनाखती कार्ड में है, ठीक है, एडसेंस में वही नाम डालो। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करो कि जीमेल के सेटिंग में जाओ और अपनी डेट ऑफ बर्थ वही लिखो जो शनाखती कार्ड में है, ठीक है। हाँ तो चलो मैं अभी अपलोड करता हूँ और दिखाता हूँ कि अच्छा अच्छा मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ, एक मैंने कुछ एडिट्स किए थे तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ।
और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या आएगा, ये तो मेरी फर्स्ट टाइम है। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा मैं वही वीडियो इसी जगह पे इसी वीडियो के साथ अटैच करूँगा तो आपको। अच्छा अब क्या करना है, फ़ोटो तो अप हो गई, ठीक है फ़ोटो अपलोड हो गई। अब नीचे मैं आता हूँ कि नीचे क्या लिखा था। अच्छा तो नीचे ठीक है यहाँ पे, और ये भी करें कि अगर जब भी आप फ़ोटो मतलब कि अपलोड करोगे ना तो फिर अपना नाम एडिट मत करना, कोई और नाम मत लिखना, ठीक है। अगर अप्रूव हो भी जाता है तो फिर भी नाम एडिट मत करना, ठीक है। तो मैं कन्फर्म इन्फो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस भी आप तो चेक कर लो कि वो सही तौर पर डालो, ठीक है। एंड इसके पहले इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ ये भी कुछ इसका अलग भी मेथड है ताकि आपको इसके बाद पिन भी रिसीव हो जाए। अच्छा मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। और अब ये लोडिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या गया है, द प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट। इफ यू आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अगेन, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अच्छा इसमें मतलब कुछ दिन लगेंगे और ईमेल वो हमें करेंगे। वैसे अगर फेल हो गया तो वो शायद दोबारा भी हमें इसका मौका देगा कि आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिमिट भी रखा है, ठीक है। तो मैं गोट एट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि वैसे मेरे ख्याल में इसमें दिन नहीं लगते, मैंने सुना है जल्दी मैसेज आ जाता है। तो चलो मैं अगर चलो इसको मैं पुश करता हूँ और जैसे ही वो मैसेज आता है या रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट, तो वो वीडियो इसके साथ अटैच करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे क्रिक दो दिन बाद ये मैसेज आ गया कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे देखो वो पिन डायरी की हिस्से ने किया है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि आपके इस एड्रेस पे जो कि मैंने हाइड किया है इस पे सेंड कर दिया गया है, और 3-5 दिन यानी अच्छा 2-4 हफ्तों तक आपको पहुँच जाएगा। और अगर नहीं पहुँचा तो फिर दोबारा सबमिट करना होगा। यहाँ जो नीचे सबमिट पे लिखा है, ये याद रखो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप तीन बार गलत पिन लगाओगे और एंटर करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, एड्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करना, और इंशाल्लाह अगर पिन आ गया तो मैं आपको उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।